हेलो गाइस, ये जो इलेक्ट्रिकल वायर का जो कलर कोडिंग है दोस्तों, इसको आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल फेज और थ्री फेज का बारे में तो आपको पता ही होगा, तो चलिए पहले इसका जो सिंगल फेज का जो कलर कोडिंग है इसका बारे में जान लेते हैं, और लास्ट को हम जानेंगे जो नया जो कलर कोडिंग निकल के आया है इंडिया का, उसका बारे में भी हम जानेंगे लास्ट को। सिंगल फेस का जो कनेक्शन होता है उसका कनेक्शन करने के लिए हमको चाहिए होता है फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो रेड कलर है उसको हम फेस के लिए यूज़ करेंगे, और जो ब्लैक कलर है उसको हम यूज़ करेंगे न्यूट्रल के लिए, और जो ग्रीन कलर है हमारा उसको हम यूज़ करेंगे अर्थिंग के लिए। अभी हम जानेंगे थ्री फेस कनेक्शन के लिए जो कलर कोड यूज़ होता है उसका बारे में। अभी यहाँ पे देख सकते हो जो कि दोस्तों रेड कलर के लिए फेज वन, और येलो कलर के लिए फेज टू, और ब्लू कलर के लिए हो गया फेज थ्री, और हमारा ब्लैक कलर के लिए हो गया न्यूट्रल, और दोस्तों ग्रीन कलर के लिए हो गया अर्थिंग। और दोस्तों अर्थिंग के लिए ग्रीन और येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन का जो इस प्रकार का वायर है इसको भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों सिंगल फेस का जो कलर कोड हमने बताया है ये ओल्ड कलर कोड है, पुराना वाला कलर कोड है। और दोस्तों चलिए नया वाला जो कलर कोड है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। और दोस्तों आप चाहो तो ये पुराना वाला को भी यूज़ कर सकते हो, अभी भी सब लोग करते ही है। तो दोस्तों चलिए उसको देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन कलर के लिए फेस का यूज़ किया गया है, और ब्लू कलर के लिए न्यूट्रल का, और ग्रीन कलर के लिए यहाँ पे अर्थिंग का यूज़ किया गया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट आपका मन में है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।